नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रेशम खान और स्वागत है आप सभी का बात मुद्दे की। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उन उम्मीदवारों के बारे में जिन्हें सबसे ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। वहीं पांच राज्यों में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। वहीं इन राज्यों में सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं हर कोई जीत की उम्मीद लिए जनता के सामने वादों की झड़ी लगा रहे हैं। जीत हार का फैसला 3 दिसंबर को होगा। वहीं आपको बता दें, चुनावी मैदान में उतरने से पहले सभी दल पिछले चुनाव के प्रदर्शन, जीत हार के अंतर को जरूर चेक कर रहे हैं ताकि वो उसी हिसाब से रणनीति बना सके। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ यानी मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड इंदौर 2 सीट से चुनाव लड़े रमेश मेंदोला ने बनाया था। वहीं बीजेपी के रमेश मेंदोला ने कांग्रेस के उम्मीदवार को करीब 71,000 वोटों से हराया था। वही खास बात यह है कि मेंदोला ने साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं आपको बताते चले, 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं विधानसभा की 90 सीटों में से 67 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यही नहीं, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम ही गया था। दरअसल 2018 में वर्धा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ने बीजेपी के प्रत्याशी के सबसे ज्यादा 59,284 वोटों से हराया था। वही बड़े अंतर से जीत के मामले में दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार रहे। वही राजिम से अमितेश शुक्ला ने तब 58,132 मतों से जीत हासिल की थी। वही आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी बेशक सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी के उम्मीदवार ने ही बनाया था। तब बीजेपी के कैलाश चंद्र मेघवाल ने शाहपुर भीड़वाड़ा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को रिकॉर्ड 74,542 वोटों से हराया था। और यहां सबसे ज्यादा वोटों से जीत के मामले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पृथ्वीराज थे जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को 73,306 वोटों से मात दी थी। वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में मतदान और परिणामों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज यानी 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होंगे। वहीं तेलंगाना में 23 और 30 नवंबर को और राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को ही होगी और इससे पहले राजस्थान में मतदान की तारीख 23 नवंबर तय की गई थी, लेकिन इस दिन देवउठनी 11 के चलते कई संगठनों ने इसकी तारीख बदलने की बात कही, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राजस्थान में 23 की जगह 25 नवंबर को मतदान का ऐलान किया। वहीं आयोग ने इस बार मतदान और प्रचार का गैप कम रखा है। तो आज का मुद्दा यही खत्म करते हैं, कल फिर जुड़ेंगे नए मुद्दे के साथ। बात मुद्दे की में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।